अब सरगुजा संभाग के सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और उसके बाद जसपुर जिला कंप्लीट हो गया। अब कोरिया जिला बचा जिसके दौरे में मैं जा रहा हूँ, और इसके बाद एक दिन के लिए वो आना है, इसलिए कि रथ यात्रा भी है और दूसरा हमारा जो विपक्ष के जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट है वो भी 1 तारीख को आ रहे हैं, तो शाम को फिर विधायकों के साथ उनकी मुलाकात होगी और आप लोगों को भी पत्रकार वार्ता होगी उसमें रहेगा। और उसके बाद 3 तारीख से फिर से जो कोरिया जिला के विधानसभा बचेगा और गोरेला पेंडा मरवाही ये कंप्लीट करेंगे, और तो लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बहुत सारे योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिलती है और जनता को जो परेशानी है, किसानों को परेशानी है, उसके बारे में भी हम लोग निर्णय लेते हैं। जैसे अभी जसपुर ज़िले में पत्रकारों ने शिकायत की कि वहाँ जब भूमाफिया ज़्यादा सक्रिय हैं, तो उसके लिए फिर कमिश्नर को मैंने आदेशित किया कि जो जो शिकायतें आई है मुझे भी व्यक्तिगत रूप से दिया, सबको मैंने कमिश्नर को दे दिया, उस सब बिंदुओं पर जाँच करके 15 दिन में रिपोर्ट देंगे। सबसे चिंता का विषय यही है कि अब ये जून अब समाप्ति की ओर है और उसके बाद ही पर्याप्त बारिश नहीं हुई है जिसे कृषि कार्य प्रारंभ हो सके, कहीं कहीं शुरू हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, और ये जो मौसम की बेरुखी है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। मिनट टू मिनट अपडेट कर रहे हैं और सबकी निगाह लगी हुई है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सरकारों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उसे किसी प्रकार से अस्थिर किया जाए, उसे अपदस्थ किया जाए, तो ये षड्यंत्र उनका चलता रहा है, चाहे वो राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश में देखें और अन्य प्रदेशों में इस प्रकार के हथकंडे, क्योंकि उनके साथ अब वो ED, IT, CBI ये सारे लोग लगे हैं और इसके माध्यम से सब मैनेज करने की कोशिश वो कर रहे हैं, और जिसका दुष्प्रभाव दिख रहा है प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। राजस्व के जितने मामले हैं उसमें टाइम लिमिट है और उसके अधीन सारे राजस्व के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। ऑनलाइन व्यवस्था है, यदि तहसीलदार के कार्यालय में है या नायब तहसीलदार कार्यालय में तो EDM देख सकता है, EDM कार्यालय में है तो वो फिर कलेक्टर और कमिश्नर और राजस्व सचिव सबको उसको देख सकते हैं, तो उस प्रकार की व्यवस्था हमने की, तो राजस्व के मामले में बहुत कमी आई है और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो टाइम लिमिट से अधिक का है, उसमें कुछ प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के कारण से जब तक के न्यायालय में नहीं होगा तब तक के उसमें कार्रवाई हम कर भी नहीं सकते। अन्नदाता बहुत प्रसन्न है क्योंकि उन्हें ऋण माफी भी लाभ मिला है और राजीव गांधी जो धान खरीदी 98 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा उसका 1 सप्ताह के भीतर में पेमेंट भी हो गया, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना पिछले साल भी 4 किस्त दिए थे, इस साल भी 1 किस्त मिल चुकी है, तो किसान इससे काफ़ी प्रसन्न है। निश्चित रूप से बहुत कमी आई है, अब पिछले साल जो रिपोर्ट भेजा गया उसमें टोटल में 8% की कमी आई है, ये रिकॉर्ड अपने आप में, और हमारी कोशिश ये है कि अब बीच में जो व्यवधान आया कोरोना कारण से बहुत सारे उसमें कमी आई, हम गर्म भोजन नहीं दे पा रहे थे, कुछ जिलों में शुरू हुआ है, कुछ जिलों में फिर से शुरू करना है, इसे शुरुआत हम लोग फिर से करेंगे ताकि गर्म भोजन बच्चों को मिलेगा, एनीमिक महिलाओं को मिलेगा, तो निश्चित रूप से कुपोषण और एनीमिया दोनों दूर होंगे। राहुल जी ने सीधा कहा है कि इसे जैसे 3 काले कानून को वापस लेना पड़ा कृषि का, उसी प्रकार से किसानों के लिए जैसे वापस हुआ उसी प्रकार से नौजवानों के लिए भी वापस होना होगा, करना पड़ेगा। हमारी योजना थी जो आदिवासी कार्य मंत्रणा समिति में जो फैसले हुए उसके परिपालन में ये निर्णय हुआ, जिसमें 9623 पद सीधी भर्ती जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उससे लिया जाएगा, तो उस वर्ग उसे हमने सर्वे कराया और जितने पात पाए गए तो सबको हम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में उसकी भर्ती करेंगे, लेकिन वो अग्निवीर की तरह नहीं होगा, 4 साल के लिए नहीं होगा, उसकी भर्ती भी होगी और पूरे कार्यकाल करेंगे भी और पेंशन भी मिलेगी।